दीपांशु भाई का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 444 रुपये, 444 रुपये 50 पैसे, 444.50 का भाव है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया पिछले 3 से 4 दिनों में साइडवेज मूव दिखा रहा है, अब ये वापस से यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका मजबूती है, मार्केट की गिरावट के साथ इसने थोड़ा सा गिरावट दिखाया लेकिन ये वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करने को तैयार है। स्टॉक का जो नीचे में भी चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 435 रुपये, 438 रुपये के पास है, तो 435 ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 4-5 दिनों के अंदर, 455 इसका पहला टारगेट होगा, 465 इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट कोल इंडिया में अब की बारी और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें 455, 465 के टारगेट्स के लिए 435 के स्टॉप लॉस से। यह है कोल इंडिया जहां पर खरीदारी करने के लिए 435 का स्टॉप लॉस, 455, 465 के टारगेट के लिए। और आजकल ऑफलेट में देख रहा हूँ सुमित जी, आपको बड़ा फेवरेट हो गया कोल इंडिया। जी मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है और बाहर गिरावट के बाद